हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदू वड़ा। तो ये एक इजी एंड टेस्टी साउथ इंडियन रेसिपी है। तो मैंने इसे यहाँ पर पीनट चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो इसे कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग मैदू वड़ा इस तरह के कोकोनट चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं मेरे चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप उड़द की दाल लेंगे और इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 ग्लास इतना पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके 7 से 8 घंटे तक अच्छी तरह से भिगो लेंगे। तो यहाँ पर ये 8 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये दाल जो है वो इजीली टूट रही है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सर का जार लिया है और अब हम इसमें ये जो दाल है उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। पानी बहुत ही कम यूज़ करना है ग्राइंड करते समय, तो इस तरह से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दे और उसके बाद ग्राइंड कर ले। तो मैंने इसे एक बार चला लिया है तो ये बहुत ही ड्राई है। तो अब हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका बैटर थिक चाहिए, इसीलिए पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इस बैटर को अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमें इस बैटर को 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस प्रोसेस को करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाए और आपके मैदू वड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमें लगातार इस तरह से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो 5 मिनट तक फेंटने के बाद अब हम इस बैटर को चेक कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा नॉर्मल पानी लिया है और उसमें हम ये बैटर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटर ऊपर की तरफ तैर रहा है। अगर ये बैटर अंदर डीप हो जाए तो उसका मतलब कि अभी आपको थोड़ा और फेंटना होगा। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट है। तो हमारा बैटर अच्छी तरह से फेंट चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद सारे जो हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं वो ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन चिली चॉप की हुई है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप जितने फ्रेश धनिया के पत्ते और थोड़े से यहाँ पर मैंने करी लीव्स यानी कि नीम के पत्ते उसे मैंने कट कर लिए हैं इस तरह से, वो ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मैदू वड़ा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आज आपको 2 तरीके बताऊंगी मैदू वड़ा बनाने का। तो ये यहाँ पर पहले हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम मैदू वड़ा बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले इस तरह से अपने हाथों को भिगो लीजिए पानी में, क्योंकि ये बैटर बहुत स्टिकी होता है तो बनाते वक्त हाथों में चिपक जाता है। तो इस तरह से अपने हाथों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ा सा बॉल साइज़ का बैटर लेंगे और अपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसे शेप में ला देंगे। अब हम अपनी उंगली भिगो लेंगे और बीच में इस तरह से हॉल कर देंगे। तो ये मैदू वड़ा का शेप है और इस तरह से अब हम तेल में रख देंगे। तो चलिए अब हम दूसरी मेथड देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का स्पैचुला लिया है जो रोज़ हम भाकरी या पराठा बनाने के लिए किचन में यूज़ करते हैं। तो उसे हम इस तरह से पानी से भिगो लेंगे और अब हम बॉल साइज़ का बैटर हाथों में लेंगे और इस स्पैचुला के ऊपर रख देंगे और फिर हमारी उंगली की मदद से बीच में हॉल कर देंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मैदू वड़ा बना रहे हैं उसके लिए ये परफेक्ट मेथड है, क्योंकि
फ्राई करते वक्त जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इससे। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छी लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी है, अब आपको जो सही लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम मेदू वड़ा को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम मेदू वड़ा इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पलटते रहेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये बीच में से कच्चे ना रहे और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मेदू वड़ा फ्राई होकर रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे मेदू वड़ा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सारे मेदू वड़ा फ्राई हो चुके हैं। तो मेदू वड़ा तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम पीनट्स की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप जितने पीनट्स लिए हैं जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, अगर आप चाहें तो छिलके निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से करी लीव्स यानी कि नीम के पत्ते ऐड करेंगे। हाफ कप जितना हम इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। एक चम्मच जितना हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये आधे नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चिली ली है जिसे मैंने रफली चॉप किया है, वो ऐड करेंगे। और 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी पीनट्स की चटनी एकदम रेडी है। तो मैं इसे ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर राई और जीरे से तड़का लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारे मेंदू वड़ा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो ये हमारी मेंदू वड़ा विथ पीनट्स चटनी की रेसिपी एकदम रेडी है। ये मेंदू वड़ा स्पेशल सांभर के साथ सर्व होता है, तो मैं उसकी रेसिपी जल्द ही मेरे चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।